आमिर जी, जो अभी आप बात कर रहे थे कश्मीर को लेकर, तमाम तरह के बड़े बड़े बातों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि सुरक्षा इतनी आपको तैनात करने की स्थिति पड़ गई है, तो आप समझिए क्या हालात है। मैं आपको सीधे शिवांग माथुर, हमारे सहयोगी वहां पर है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है जम्मू कश्मीर, और वहां पर अमन और चैन इस वक्त कायम है, वहां पर टूरिस्ट आए हुए हैं। शिवांग, ओवर टू यू, जरा बताइए उन टूरिस्टों के जरिए। हामिद जी रुकिए, सब्र कीजिए। शिवांग, बिल्कुल प्रीति, मैं कोशिश करूंगा कि जो टूरिस्ट हमारे ठीक बगल वाली बोट में है उनसे हम बात कर सकें। वो गुजरात से आए हुए हैं, सूरत से, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं हम सीधे उनसे पूछते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा जैन है। कहाँ से आप आई हैं? हम सूरत से आए हैं, गुजरात सूरत से। कितने दिनों से हैं कश्मीर में, मैं ये जानना चाहता हूँ। और G20 की बड़ी बैठक यहाँ पे हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय समारोह है, कैसा लग रहा है आपको कश्मीर में? आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यहाँ का माहौल कैसा है हमें बताइए। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और कश्मीर हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि हम लोग 6 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, हर एक टाइम को एंजॉय कर रहे हैं और हर एक जगह पे जाके आए, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे बताइए, जब आप यहाँ डल लेक में घूम रहे हैं, कोई मन में डर है, किसी प्रकार की शंका है? नहीं, हमको कोई डर नहीं है, कोई प्रकार की कहीं शंका नहीं है। पहले सुना हुआ था, बट आके अब हम खुद महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर में डरने जैसा कुछ भी नहीं है, इतनी सेफ्टी है यहाँ पे। ये बताइए कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप यहाँ 6 दिन से हैं, जो आम कश्मीरी है उससे जब आपकी बात होती है, उसके मन में क्या है? यहाँ जो लोकल जो कश्मीर से बात हुई, इतने ईमानदार है, इतने अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। हम आज हम पूरी फैमिली साथ में है, तो बच्चों को भी इनको छोड़ कर गए, इनके भरोसे तो भी कोई दिक्कत नहीं आई काम, इतना विश्वास है इनके। ठीक है, और बहुत अच्छे मैं आप जी, टूरिस्ट खुद बोल रहे हैं, अब कोई जवाब बचा है आपके पास? आप बम फटने की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब देता हूं। अरे आप ये बात समझे, ये जो कैमरे के आगे चंद बेचारे मजलूम लोगों को लाकर आप समझते हैं, मजलूम लोग आपको नजर आ रहे हैं? हामिद जी, कमाल की बात करते हैं आप, कमाल की बात। आपके खुद के मुल्क में एक के बाद एक दंदनाता बम फट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मजलूम लोगों को इकट्ठा कर लेते कहीं से, मजलूम मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप। हामिद जी, मेरी बात ना करें आप। मेजर जनरल दत्ता जी भी आपकी बातों से बिल्कुल ही डिसएग्री कर रहे हैं। प्रीति, आज पूरा पाकिस्तान जेल बना हुआ है और ये श्रीनगर को जेल बोल रहे हैं, उग्रवादी ये खुद भेजते हैं, आप भेजो हम उनको मारेंगे। आप ये जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, ये आपके भेजे हुए टट्टुओं को मारने के लिए हैं। अरे आप जितनों को भेजेंगे उतनों को हम मारेंगे। सुनिए हामिद जी, पाकिस्तान में इसी तरह मजलूम लोग शिकारे पर घूमते हुए दिखे हैं क्या आपको? पाकिस्तान में शिकारे पर ऐसी मजलूम लोग घूमते हुए दिखते हैं क्या? पैसे देकर आप इंटरव्यू करते हैं, मुझे पाकिस्तान में क्या हो रहा है आज? पाकिस्तान में तो सारे नागरिक डरे पड़े हैं, जगह जगह पे पुलिस रेड कर रही है, रेंजर रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है आज? आप ये नहीं जानते क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? पीओके में आप क्या कर रहे हैं? आप भूल गए, हिंदुस्तान तो आजाद है, डेमोक्रेसी है, यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, आपकी तरह नहीं। वहां पर आज के दिन में जेल बना तो पाकिस्तान जेल बना हुआ है। आज G20 की बात है ना, देखे आज G20 की बात है, G20 में ये है कि इंडिया फेल हो गया है, इंडिया को ये तो हम परसों बात करेंगे कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। हामिद जी, इसमें मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी, ये पर्सपेक्टिव है, जिस नजरिए से आप चीजों को देखते हैं उसी नजरिए से आपको नजर आती है। आपको लगता है कि आप एक एक फेल मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको दूसरा मुल्क में वहाँ जो भी चीजें हो रही है वहाँ पर आपको फेल नजर आ रही है। अरे G20 के ग्रुपिंग में अगर 2-3 कंट्रीज के नुमाइंदे नहीं आए तो फेल हो गया, वाजी वाह। 99% नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं और 100 से ज्यादा लोग वहाँ अटेंड करने वाले हैं इंटरनेशनल। 2-3 आदमी आपके जो भाड़े के टट्टू नहीं आ रहे तो उससे कश्मीर की G20 तो फेल नहीं होने वाली ना। आप चीन हो गया, तुर्की हो गया, OIC का मेंबर हो गया, सऊदी अरब हो गया, क्या फर्क पड़ता है? और तो सारे आ रहे हैं ना वहाँ पे, आप देखिएगा जब 22 तारीख को मीटिंग चालू होती है, फेल कौन होगा और पास कौन होगा आपको पता चल जाएगा क्लियर। तो इंडिया के चैनल के अलावा बस सिर्फ इंडिया ही दिखाएगा, बाकी दुनिया नहीं दिखाएगी श्रीनगर का, ये मैं आपको बता दूं। ये इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा आपको, आप देखिएगा। अच्छा, आप सुनिए, मुझे लग रहा है हामिद जी, डॉक्टर होने के साथ साथ एक आप एस्ट्रोलॉजी का भी काम कर लीजिए।
क्योंकि आप फेल बता दे रहे हैं, आप ये बता दे रहे हैं कि कोई मीडिया नहीं दिखाएगा दूसरी कंट्रीज का, तो मतलब कमाल की बात, इतना हाइपोथेटिकल कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है जिसके आगे डॉक्टर लगाओ। प्रोफेसर राजन, डॉक्टर मीर की बातों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन मीडिया अगर इंडिया की बात करती है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप तो इंग्लैंड में हैं, जरा इकोनॉमिस्ट देख लीजिएगा, उसमें हेनरी किसिंजर जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका इंटरव्यू आया है और उन्होंने क्लियरली भारत की जो विदेश नीति है उसकी प्रशंसा की है। तो हमीद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो भारत की, और आप भारत की विदेश नीति की तो प्रशंसा आपके इमरान खान कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिसी भारत की जैसी होनी चाहिए, तो आप अपने आपके खुद के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की नीति भारत जैसी होनी चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखा रहा है। अभी तो भारत अभी देखिए कश्मीर के इशू पर भी इंटरनेशनल ओपिनियन पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। हाँ, एक दो कंट्री हैं, चीन उसमें हो जाए, टर्की हो जाए, उसके अलावा कोई भी कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। सारे देशों को पता है कि टेररिज्म की जो समस्या है वो पाकिस्तान के कारण है। एक एजेंडा है जिसके तहत ये वो देश है जो नहीं समर्थन करना चाहते हैं, जिसमें चीन सबसे पहले है, पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है और तुर्की है।